तो दोस्तों आज आप रिव्यू करने वाले हैं अपाचे आरटीआर 204V का। तो आज इस वीडियो में हम इस बाइक का फुल स्पेसिफिकेशन करने वाले हैं। तो अगर आप एक अपाचे लवर हो तो इस वीडियो को ऊपर एंड तक जरूर देखना, स्किप मत करना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों पहले कलर देख लेते हैं। जो कलर आप देख रहे हो ये है मैट ब्लू कलर की, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती है मैट ब्लू कलर में। पहले एक वॉकराउंड ले लेते हैं गाड़ी का। यहाँ पे आपको मिल जाता है एग्रेसिव क्लॉच टेल हेडलाइट, जो कि आपको कंप्लीट एलईडी में दिया गया है। तो ये रहा इसका एलईडी हेडलाइट। और यहाँ पे आपको एलईडी डीआरएल भी दिया गया है इसके हेडलाइट ठीक ऊपर, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे। तो एक बार इसको ऑन कर देते हैं। ये रहा इसका एलईडी हेडलाइट, जिससे आपको नाइट विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो अभी बंद कर देते हैं गाड़ी को। तो दोस्तों अगर इंडिकेटर देखें तो आपको यहाँ पे जो है हेलोजन में आपको इंडिकेटर आपको मिल रहा है इस गाड़ी में। इंडिकेटर भी एक बार ऑन कर देते हैं। तो ये आपको हेलोजन में मिलता है इसका इंडिकेटर। सस्पेंशन अगर देखेंगे आप फ्रंट का, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है टेलीस्कोपिक फोर्क सस्पेंशन। ये आपको गोल्डन कलर में आपको मिल जाता है। और इस सस्पेंशन का सबसे अच्छी बात है कि आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसके एडजस्ट करने के लिए आपको ऑप्शन मिलता है, इसके सस्पेंशन को आप एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी ये रहा इसका डिस्क। यहाँ पे आपको ट्यूबलेस टायर ऑफर की जा रही है इस बाइक में। तो दोस्तों इसके जो फ्रंट टायर का जो साइज है वो है 90-90-17 का। यहाँ पे आपको 17 इंच का जो है एलॉय आपको मिल रहा है। यहाँ पे आपको जो है ब्लैक कलर का जो है आपको एलॉय दिया गया है। और फ्रंट का डिस्क का साइज है 270 mm। बाकी अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है इंजन का ऑयल मिल जाता है। ये भी जो है आपको बॉडी कलर आपको दिया गया है। यहाँ पे आरटी स्लीपर क्लच आपको देखने को मिलेगा स्टिकरिंग में। इस गाड़ी में आपको स्लीपर क्लच भी मिलता है। बाकी अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है कैटेलिटिक कन्वर्टर। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि BS6 नॉर्म्स के हिसाब से अभी हर एक गाड़ी में जो है आपको कैटेलिटिक कन्वर्टर देखने को मिल जाएगा। हर एक बाइक में देखने को मिल जाएगा कैटेलिटिक कन्वर्टर। तो इसका जो है कैटेलिटिक कन्वर्टर आपको यहाँ पे दिया गया है। इंजन की अगर हम बात करते हैं तो गाड़ी में आपको मिल जाता है सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक ऑयल कूल्ड BS6 इंजन। ये 197.75 cc की गाड़ी है। और ये आपको RTFI टेक्नोलॉजी के साथ आपको मिलता है, मतलब रेस ट्यून फुल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी इसमें आपको मिलेगा। और ये जनरेट करती है 20.2 BHP की पावर एट द रेट ऑफ 8500 RPM एंड 16.8 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती है एट द रेट ऑफ 7500 RPM। और ये आपको 5-स्पीड गियर बॉक्स के साथ आपको मिलता है विद स्लीपर क्लच, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बाकी अगर गाड़ी की डायमेंशन की अगर हम बात करते हैं, गाड़ी का जो ओवरऑल लेंथ है वो है आपको मिल जाता है 2050 mm की। इसका जो विड्थ है वो आपको मिलता है 790 mm की। इसका जो हाइट है वो है 1050 mm की। और इस गाड़ी में आपको 180 mm का जो है ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाता है। तो ये रहा इसका फ्यूल टैंक, जो कि काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर लगता है इसके एक्सटेंशन की वजह से। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इसका एक्सटेंशन किया गया है। और इसके ऊपर आप देख सकते हैं RTR लिखा मिल जाएगा स्टिकरिंग में। प्लस यहाँ पे आपको रेड कलर का जो स्ट्रिपिंग आपको देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से गाड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती है। बाकी यहाँ पे आपको एक हॉर्स का मिल जाता है, क्रोम में बेजिंग मिल जाता है, जो कि अपाचे का पहचान है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसके फ्यूल टैंक के ऊपर आपको यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट कलर का जो है, ये व्हाइट एक्चुअली नहीं है सिल्वर कलर का है, एक्चुअली ब्लैक एंड सिल्वर कलर का जो स्ट्रिपिंग आपको देखने को मिलेगा इसके फ्यूल टैंक के ऊपर। यहाँ पे RTR 200 लिखा आपको मिल जाता है। और ये रहा इसका फ्यूल लिड। तो इस गाड़ी में आपको जो है फ्यूल टैंक मिलता है वो है 12 लीटर का। और इसका फ्यूल लिड
सेंटर में ना दे के थोड़ा सा राइट में आपको दिया गया है। तो दोस्तों ये रहा इसका सीट। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि जो गाड़ी है एक स्पोर्ट्स बाइक है, मतलब स्पोर्ट्स डिजाइन बेस है। तो यहाँ पे आपको स्प्लिट सीट आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्प्लिट सीट आपको यहाँ पे दिया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल आपको लगने वाली है इस गाड़ी में। और यहाँ पे आपको एक की इंसर्ट आपको मिल जाता है इसका, जो सीट ओपन करने के लिए यहाँ पे आप की इंसर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा इसका की, ऐसा कुछ आपको की देखने को मिलेगा अपाची 200 4B में। तो ये रहा इसका ग्रैब हैंडल, आपको यहाँ पे स्प्लिट टाइप ग्रैब हैंडल दिया गया है। एक भी एक अलग डिज़ाइन का आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे इसका ग्रैब हैंडल। बाकी टेल लाइट देखेंगे तो टेल लाइट भी जो है आपको LED में मिलता है। एक बार इसे भी ऑन कर देते हैं। तो ये रहा इसका LED टेल लाइट। बाकी यहाँ पे आपको एक रिफ्लेक्टर मिल जाता है। ये रहा इसका इंडिकेटर। तो साइड से देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा स्टिकरिंग देखने को मिलेगा हर एक जगह। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि RTR का स्टिकरिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। रेड कलर का स्ट्रिप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको Apache लिखा मिल जाता है स्टिकरिंग में, और यहाँ पे आपको RTR 200 4B लिखा मिलेगा स्टिकरिंग में। बाकी यहाँ पे जो स्टिकरिंग आप देख रहे हैं, ये जो बाइक के ओनर है उन्होंने अलग से लगाया है यहाँ पे स्टिकरिंग, ये गाड़ी के साथ नहीं आता है। तो थोड़ा नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाता है डबल बैरल एग्जस्ट। इस गाड़ी में आपको डबल बैरल एग्जस्ट आपको देखने को मिलेगा, जिसका साउंड भी हम आपको ज़रूर सुनाएंगे। और पीछे टायर की अगर हम बात करते तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 130/70/17 का ये टायर का जो साइज़ है। और इसका जो डिस्क का जो साइज़ है वो है 240mm का। और पीछे आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन आपको दिया गया है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे मोनोशॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन आपको इस गाड़ी में मिलता है पीछे की तरफ। बाकी ये रहा पिलियन फुटरेस्ट, ये रहा राइडर फुटरेस्ट, ये रहा ब्रेक पेडल। और गाड़ी के लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है साड़ी गार्ड। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि अभी कंपलसरी हो गया कि साड़ी गार्ड देना बाइकों में। तो ये रहा इसका साड़ी गार्ड। और इसका अगर चेन देखेंगे तो आपको यहाँ पे गोल्ड प्लेटेड आपको चेन देखने को मिलेंगी, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। ये रहा पिनियन फुटरेस्ट, ये रहा राइडर फुटरेस्ट यहाँ पे, ये रहा इसका साइड स्टैंड, ये रहा इसका मेन स्टैंड, ये रहा इसका गियर पेडल। बाकी अगर इस तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत जो पैटर्न आपको देखने को मिलेगा ब्लैक कलर में, आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत पैटर्न देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, प्लस यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये वाला देखने से पता चलता है कि यहाँ पे एयर वेंट्स दिया गया है, लेकिन ये भी एक डिजाइन टाइप का आपको यहाँ पे मिलता है, ये कोई एयर वेंट्स नहीं है। बाकी स्टिकरिंग वगैरह आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके लेफ्ट हैंड साइड में भी। बाकी टायर के अगर आप एलोल के ऊपर भी देखेंगे तो आपको यहाँ पे TVS रेसिंग करके जो है स्टिकरिंग देखने को मिलेगा रेड एंड व्हाइट कलर में। तो दोस्तों अभी चलिए बात करते हैं इसके सेंट्रल कंसोल के बारे में। तो पहले मैं बता दूं ये गाड़ी में क्या अलग से लगाया गया है, मतलब इनके ओनर जो है इसमें क्या क्या अलग से लगाए हैं बाहर से। तो ये जो फोन होल्डर आप यहाँ पे देख रहे हैं ये बाहर से लगाया गया है, और यहाँ पे जो हैजर्ड का स्विच आप देख रहे हैं ये भी बाहर से लगाया गया है। तो ये दोनों चीज़ें जो है ये बाइक में एक्स्ट्रा ऐड किया गया है, ये कंपनी फिटेड नहीं आती है। बाकी ये रहा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये आपको फुली डिजिटल में आपको मिलता है। तो इसे एक बार ऑन कर देते हैं। तो दोस्तों ये रहा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि आपको फुली डिजिटल में आपको मिलता है। तो यहाँ पे आपको हर एक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। और ये एक स्मार्ट कनेक्टेड फीचर के साथ आता है गाड़ी, तो आप अपना मोबाइल जो है इससे कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू ब्लूटूथ। और सबसे अच्छा जो चीज़ दिया गया है इस गाड़ी में, आपको तीन मोड्स आपको मिल जाता है, जिसका बटन आपको यहाँ पे दिया गया है। ये रहा मोड बटन। तो इस गाड़ी में आपको तीन मोड आपको मिलता है, स्पोर्ट्स मोड, अर्बन मोड एंड रेन मोड। तो जैसे देख सकते हैं मैं अभी मोड का बटन ऑन कर रहा हूँ, ये रहा स्पोर्ट्स मोड, ये रहा रेन मोड। तो आपको तीन मोड जो है आपको इस गाड़ी में मिल जाता है, जिसके हिसाब से आप गाड़ी चला सकते हैं।
अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो इसी हिसाब से जो है गाड़ी पावर भी डिलीवर करती है मोड के हिसाब से। तो इस गाड़ी में आपको स्पीडोमीटर, फ्यूल गज, क्यूरोसिटी इंडिकेटर, एवरेज स्पीड और तीन मोड जैसे मैंने आपको पहले बताया, अर्बन, स्पोर्ट्स एंड रेन मोड। बाकी टाइम यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंजन मालफंक्शन इंडिकेटर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, एवीएस का जो यहाँ पे इंडिकेटर वो ब्लिंक कर रहा है अभी, न्यूट्रल का जो लाइट आपको दिखाई देगा, इंडिकेटर का साइन, सर्विस रिमाइंडर जैसे फीचर्स आपको इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ये रहा इसका आरपीएम इंडिकेटर। बाकी अगर हैंडल की बात करते हैं तो आपको हैंडल पोजिशन आपको देखने को मिलेगा काफ़ी अच्छा, जो है आपको इसका जो हैंडल पोजिशन देखने को मिलता है। और ये एक स्पोर्ट्स डिजाइन बाइक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप बैठेंगे एक स्पोर्टी पोस्चर जो है आपको मिलेगा जब आप गाड़ी चलाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके राइट हैंड साइड में आपको जो है इंजन किल स्विच मिलता है, ये सेल्फ का स्विच आपको मिलता है, ये मोड का स्विच आपको मिलता है, और लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ पर जो है लाइट के स्विचेस मिलता है, पास लाइट का स्विच यहाँ पर दिया गया है, ये रहा इंडिकेटर, ये रहा हॉर्न। तो एक बार इसका हॉर्न भी सुन लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा इसका हॉर्न का साउंड। बाकी और एक चीज़ यहाँ पे आपको नया देखने को मिलेगा, इसका जो क्लच है और जो इसका ब्रेक है, इसका जो लीवर आप एडजस्ट कर सकते हैं, इसका भी ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। इसको घुमा के आप इसका लीवर को एडजस्ट कर सकते हैं, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन आपको इस गाड़ी में मिलता है। तो दोस्तों अभी सुनाते हैं गाड़ी का साउंड कैसा है, इसका एग्जॉस्ट का साउंड। तो दोस्तों इस बाइक में आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन का सिस्टम भी मिलता है, तो उसे भी आपको दिखा देते हैं अभी। तो कैसे क्या ये काम करता है, तो पहले फ़ोन को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो फ़ोन कनेक्ट होने के बाद जो है आप एसएमएस या फिर कॉल का जो है नोटिफिकेशन भी पा सकते हैं इसके डिजिटल क्लस्टर में। तो दोस्तों ऐसा कुछ आपको जो है मिलने वाला है इसका नेविगेशन सिस्टम, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं टर्न बाय टर्न नेविगेशन। और यहाँ पे आपको कंप्लीट मैप आपको शो नहीं करेगा, बस आपको जो है टर्न मतलब कहाँ टर्न करना है वही जो है आपको शो करने वाला है, ऐसा कुछ आपको मिलेगा जो है नेविगेशन सिस्टम इसका टर्न बाय टर्न नेविगेशन सिस्टम। तो आपको कहाँ बस टर्न करना है वही आपको शो करेगा, लेफ्ट या राइट कहीं पे जाना है तो वही आपको शो करेगा। तो ये फीचर भी आपको मिल जाता है इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। ये बाइक आपको दो वेरियंट में आपको ऑफर की जा रही है, एक है सिंगल चैनल एवीएस और दूसरा है डबल चैनल एवीएस। और दोनों वेरिएंट में आपको सिर्फ एवीएस का ही जो है डिफरेंस देखने को मिलेगा, बाकी मैकेनिकल कोई भी चेंजेस आपको दिखाई नहीं देगा इन दोनों बाइकों में। तो दोस्तों अगर प्राइसिंग अगर बात करें तो ये दो वेरिएंट का प्राइस आपको मैं बता दे रहा हूँ, सिंगल चैनल एवीएस का और डबल चैनल एवीएस का। तो सिंगल चैनल एवीएस का जो ऑन रोड प्राइस है वो आपको लगभग 1,49,000 के आसपास आपको आ जाएगी, और जो डुअल चैनल एवीएस का जो बाइक है उसका प्राइस आपको इससे लगभग 5,000-6,000 आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, मतलब 1,55,000 के आसपास जो है इसका प्राइस आ जाएगा ऑन रोड प्राइस डुअल चैनल एवीएस का। बाकी स्टेट टू स्टेट थोड़ा बहुत जो है प्राइसिंग में डिफरेंस देखने को मिल सकता है, तो इट्स बेटर कि आप अपने नज़दीकी शोरूम में जाके इसका करेंट प्राइस जाके चेक करें कि बाइक का अभी करेंट प्राइस कितना क्या है। तो दोस्तों ये तो थी अपाची आर्टिगा 204V का कंप्लीट रिव्यू, और आपको इस गाड़ी में बहुत सारे जो है फीचर्स आपको ऑफर की जा रही है, और कुछ फीचर्स ऐसे भी हैं जो कि आपको फर्स्ट सेगमेंट आपको देखने को मिलेगी इस बाइक में। और ये बाइक कम्पीट करती है बजाज पल्सर NS200 से, इससे ज़्यादा जो कंपैरिजन होता है इन दोनों बाइकों में होता है। बाकी अगर फीचर की बात करें तो आपको आर्टिगा 204V में थोड़ा बहुत जो है ज़्यादा फीचर्स आपको देखने को मिलेगी। बाकी आपको अपाची आर्टिगा 204V कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ये बाइक कैसा लगा, इसका फीचर्स आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर देना। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, धन्यवाद।